Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. My name is Vasundhara and I am back with the part 4 of 50 words you must know for your competitive exams. हम बिल्कुल एंड तक पहुंचने वाले हैं इस सीरीज के और आज हम वर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे. लेट्स सी आपको कितने मीनिंग्स पता हैं कितने नहीं पता हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. द फर्स्ट वर्ड फॉर टुडेज सेट इज जेनिथ. ये काफ़ी कॉमनली पूछा गया है एग्जाम में. जेनिथ का मतलब होता है किसी चीज़ का टॉप, राइट. जैसे कोई माउंटेन है उसका जो पीक होगा या एपेक्स होगा उसको हम क्या कहते हैं, जेनिथ, राइट. सो जेनिथ इज पिनेकल, एपेक्स, एक्मे, पीक, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. ये सब जेनिथ के सिनोनिम्स हैं. तो अगर कोई माउंटेन है, ये उसका पीक है जिसे हम जेनिथ भी कहते हैं, तो ये जो उसका बेस होगा ना, इसे हम क्या कहते हैं, नादिर. क्लियर. ये आपको याद रखने हैं, क्यों, ये अगर जेनिथ आपको दिया है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट विल ऑलवेज बी नादिर, राइट. ये याद रखना. बॉटम जो है वो एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, बेस यूज करते हैं आप. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट यू नीड टू रिमेम्बर. देखो, वियरी, एक वर्ड होता है वियरी जो आता है वार्निंग से, ठीक है. एक होता है वर्ड वियरी जो आता है टायर्ड से, जिसे हम बोलते हैं वियर एंड टियर, कि जो शूज है मान लो वो खराब हो गए बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट वियर एंड टियर. वेरी का मतलब होता है भाई अवेयर रहना, ठीक है. वार्निंग, अवेयर, ये इस रूट वर्ड से आए, क्लियर. तो वियरी मीन्स टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फटीग्ड, एनीथिंग यू कैन यूज. ऑपोजिट क्या होगा, अगर कोई थका हुआ है और उसका ऑपोजिट होगा एनर्जेटिक, एक्टिव या एक्टिविटी या रिफ्रेश्ड, ओके. सो वियरी मीन्स टायर्ड, व्हेन यू आर फटीग्ड, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. नेक्स्ट इज ट्यूमल्चुअस. नाउ ट्यूमल्चुअस का मतलब होता है टू मच, लाउड, अगर आप इसको ऐसे याद रख सको तो. ट्यूमल्चुअस इज टू मच लाउड. ये देखो, टू मच लाउड, ठीक है. लाउड, डेफिनिंग, क्लैमरस, इन सब का मतलब बहुत ज्यादा शोर जब हो कहीं पे, ठीक है. देन वी यूज दिस वर्ड. डेफिनिंग मतलब जो आपको बहरा कर दे, जो आपको डेफ कर दे, इतना नॉइज. नाउ ऑपोजिट्स क्या होंगे, साइलेंट, हश्ड मतलब चुप, और क्वाइट, ठीक है. शांति को हम क्वाइट्यूड भी बोलते हैं, क्यू यू आई ई टी यू डी ई. सो लाउड के ऑपोजिट्स आपको पता है ये साइलेंट और क्वाइट होते हैं, तो उसी लॉजिक से हमारे पास ट्यूमल्चुअस के भी यही ऑपोजिट्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज साइकोफेंट. ये पेपर में आया हुआ है आई बिलीव, सो ये वर्ड आप ज़रूर याद रखिए. साइकोफेंट का ये साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, साइकोटिक से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले साइको का मतलब कुछ और है. देखिए, साइकोफेंट कौन है, आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों को ना मस्का लगाने की बहुत आदत होती है, दे लाइक टू बटर पीपल अप, ठीक है. बटरिंग करना समझते ही हो, किसी को मक्खन लगाना, राइट. तो ऐसे लोगों को साइकोफेंट बोलते हैं जो बहुत चापलूस हो या बहुत चापलूसी करते हो दूसरों की, बहुत ज़बरदस्ती उनको प्रेस करते हैं, दे आर नोन एज साइकोफेंट्स. उनको हम और क्या बोलते हैं, टोडी, और उनको बोलते हैं फ्लैटर, जो बहुत फ्लैटरिंग करे, दूसरों को बहुत फ्लैटर करे, राइट. तो ऑपोजिट क्या होगा, अगर एक कोई सारा दिन आपकी तारीफ ही कर रहा है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा, जो सारा दिन आपको बैठ के क्रिटिसाइज कर रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है या निंदा कर रहा है, ठीक है. बैक बाइटिंग भी हो सकती है, जो सारा दिन आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा हो. और एक वर्ड और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आपको याद रखना चाहिए, वो है कैविलर. कैविलर इज अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज अदर्स अ लॉट, ओके. जो सारा दिन दूसरों के बारे में गलत बोले. सो साइकोफेंट का ऑपोजिट विल बी अ क्रिटिक, ट्रू. दिस वर्ड यू नीड टू रिमेंबर बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट. स्कैंटी, स्कैंटी जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर्टन एरियाज रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, इसका मतलब लेस, मीगर, स्कार्स. स्कार्स का मतलब भी स्कार्सिटी से आता है, शॉर्टेज से आता है. इनसफिशियंट, पॉसिटी, डर्थ, नॉट डेथ, डर्थ, डी ई ए आर
टी एच, ठीक है। स्कैंटी का मतलब ये होता है वेरी लेस, वेरी लिटिल, कम। अगर स्कैंटी मतलब कम होता है तो ऑपोजिट मतलब ज्यादा, ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपियस, काफी, प्लेंटी, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, और एक्सेस, और हम क्या बोलते हैं, प्लेथोरा। आई थिंक ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, प्लेथोरा पता होना चाहिए। तो इसीलिए स्कैंटी विच मीन्स वेरी लिटिल, उसका ऑपोजिट विल बी अबंडेंट, ठीक है। रिलक्टेंट का मतलब देखिए क्या होता है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग। जैसे आई वॉज रिलक्टेंट टू गो विद यू, मतलब मेरा कोई मन नहीं था, वेन यू डू नॉट हैव द विल टू डू समथिंग, बेमन से। हेजिटेंट भी वही है, रेटिसेंट भी वही है, ये स्पेलिंग उल्टा हो गया यहाँ पे, रेटिसेंट, ठीक है। तो अगर कोई बिना मन से है रिलक्टेंट का मतलब, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कीन, वेन यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू डू समथिंग, या फिर एंथुजियास्टिक, वेन यू आर वेरी एंथुजियास्टिक टू डू समथिंग। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या है, ऑपोजिट्स ऑफ रिलक्टेंट। क्वीर, क्वीर का मतलब होता है स्ट्रेंज। एक idiom भी है जो आपको याद रखना पड़ेगा, अ क्वीर फिश, इसका मतलब होता है वेन यू आर आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, राइट। क्वीर का मतलब होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज, ऑड, एक्सेंट्रिक, पिक्यूलियर, राइट। तो अगर कोई इस तरीके से है, स्ट्रेंज, ऑड, पिक्यूलियर, तो ऑपोजिट में क्या होगा, नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी, सामान्य, बाकियों जैसा। तो ये क्या है आपके, ऑपोजिट्स टू दिस वर्ड, नॉर्मल, यूजुअल, ऑर्डिनरी। क्वीर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, अजीब, राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डियर वर्ड ऑफ यूपीएससी इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी, डीप, इंटेंस। जैसे वी हैड अ वेरी प्रोफाउंड कॉन्वर्जेशन, मतलब बहुत गहरी कॉन्वर्जेशन, डीप कॉन्वर्जेशन। तो सिनोनिम्स विल बी डीप एंड इंटेंस। ऑपोजिट, अगर कोई चीज़ डीप है तो उसका ऑपोजिट विल डेफिनेटली बी शैलो, जो सरफेस लेवल पे हो। और आपको पता है जो चीज़ सरफेस लेवल पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल इज समथिंग विच इज वेरी शैलो, राइट। नाउ वी हैव पेनियरी। पेनियरी को आप पेनी से याद रखो, जिसके पास पेनी ना हो, यानी पैसे ना हो, पॉवर्टी, ठीक है। पॉपरिज्म, पॉपर का मतलब क्या होता है, अ बेगर, अ पुअर पर्सन। प्रिंसेस एंड द पॉपर, इफ यू हैव रेड, पॉपर मीन्स अ पुअर पर्सन। सो पॉपरिज्म क्या होता है, गरीबी, बेगरी, राइट। गरीबी का ऑपोजिट इज अमीरी, एंड वी हैव डन दीज वर्ड्स द अदर डे, दैट इज अफ्लुएंस, ऑप्यूलेंस, वेल्थ, लग्जरी, ऑल दीज विल बी योर ऑपोजिट्स ऑफ पेनरी। पेनरी का मतलब होता है बींग पुअर, राइट। द लास्ट वर्ड फॉर दिस टुडे सेशन इज नेसेंट। नेसेंट का क्या मतलब होता है, समथिंग विच इज ग्रोइंग, जो अभी इमर्जिंग स्टेज पे हो। तो बडिंग, ग्रोइंग, फॉर्मिंग, यंग, इन सब के लिए, या मैच्योरिंग भी बोल सकते हैं हम, मैच्योरिंग में, नॉट मैच्योर। इसका मतलब है थिंग्स दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ ग्रोथ, राइट। तो ऑपोजिट्स क्या होंगे, अगर कोई चीज़ अभी उग रही है या बढ़ रही है तो ऑपोजिट होगा ऑलरेडी जो चीज़ बढ़ चुकी है। सो मैच्योर, इस्टैब्लिश्ड, डेवलप्ड, ऑल दीज विल बी योर वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट्स टू नेसेंट, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास यही वर्ड्स थे, कल हम इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे एंड फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई और चीज़ के प्रैक्टिस सेशंस चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल्सो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर पूछो। एंड साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो हैव एक्सेस एंड सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच विल बी मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो दैट यू कैन हैव रेगुलर एक्सेस टू ऑल दीज थिंग्स। बट इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉट दैट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एवरीबडी, गुड लक, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।